अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात वॉर जोन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, मिल गया यूक्रेन रूस में शांति का फॉर्मूला। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर आज बात करेंगे। कान्हा को रिझाने के लिए मथुरा का श्रृंगार किस तरह से किया गया है ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जानिए, और 30 फीट के विनायक के दिव्य दर्शन भी कीजिए, जानिए किस दिन पंडालों और घरों में विराजेंगे पप्पा। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर। पोलैंड की दो दिन की यात्रा के बाद यूक्रेन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी राजधानी कीव तक की अपनी यात्रा प्लेन के बजाय विशेष ट्रेन में करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर मोदी यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच रूस से जारी संघर्ष के समाधान को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है और दुनिया भर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई है। आपको हम ये भी बता दें कि लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, जिस वजह से कई हवाई पट्टियों को नुकसान हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री पोलैंड से एक विशेष ट्रेन में सवार होकर यूक्रेन पहुंचेंगे। 10 घंटे का उनका यह सफर होगा। ये ट्रेन भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सबसे सुरक्षित ट्रेन ये मानी जाती है। तो दो दिन का पोलैंड दौरा और फिर उसके बाद रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया ये बयान कूटनीतिक के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन 2.5 साल से ज्यादा लंबे वक्त से युद्ध में उलझे हुए हैं, लेकिन अभी तक युद्ध विराम की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया दो धड़ों में पट गई है। बावजूद इसके बीते 2 सालों में भारत ने किसी भी धड़े का पक्ष नहीं लिया है, हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते समाधान निकालने पर जोर दिया है। पोलैंड की धरती से भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात दोहराई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कई मौकों पर भारत अपना रुख दुनिया के सामने रख चुका है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने इसी बात की पैरोकारी की थी, और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के ठीक पहले उन्होंने फिर डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। कूटनीतिक रिश्तों में किन शब्दों में कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है ये बहुत मायने रखता है, और यही वजह है कि जब चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो रूस से जारी संघर्ष के समाधान को लेकर चर्चा होने की पूरी संभावना है। तो ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है इस समय, और उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां यूक्रेन आ रहे हैं 23 अगस्त को। क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा? प्रयास यही होगा कि बातचीत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस में थे और वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई थी। दोनों में कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ था, और वो क्या विचार थे वो केवल वहां के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। अब उन विचारों का आदान प्रदान या शांति के लिए विचारों का आदान प्रदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में गुजारेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन दुनिया की नजर दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर होने वाली चर्चा पर टिकी हुई है। बात होती है एफर्ट की, करे या कौन, कर वही सकता है जिसको नंबर वन एक कॉन्फिडेंस हो, नंबर टू दूसरी दोनों तरफ का एक तरह का ट्रस्ट है कि हाँ भाई इंडिया कुछ करेगा तो एक ऑब्जेक्टिव कंट्री है जो सिर्फ शांति की वजह से ये बात कर रहा है। पोलैंड दौरे पर दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी वॉर्सा में सेरेमोनियल वेलकम हुआ और इस दौरान राष्ट्रगान की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और फिर दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड संबंधों को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया। इस वर्ष हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। खास बात यह है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है और 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नजदीक है, ऐसे में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। बाजार सज गए हैं, मंदिरों में सजावट शुरू हो गई है और इस साल भगवान कृष्ण के 5251वें जन्मदिन की खास तैयारी हो रही है, जिसके लिए हर साल की तरह इस साल भी मथुरा वृंदावन में खास तैयारी है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पूरी ब्रजनगरी में कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी हो रही है। जगह जगह नन्हे कान्हा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इसके अलावा मंदिरों में भी लगातार तैयारी चल रही है। सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसको लेकर अभी से ही बाजार भी सजने लगे हैं और लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े तमाम सामान ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाजारों में नई नई चीजें श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उपलब्ध हैं। इस बार अलग अलग तरह की श्री कृष्ण की मूर्तियां, पोशाक हर किसी को लुभा रही हैं। इसके अलावा यहां तक कि लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अलग अलग तरह की मेहंदी भी लगवा रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा रंग बिरंगी पोशाकें जो कि लोग लेकर जाते हैं अपने घरों में, जो लोग श्री कृष्ण को बिठाते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग तरह की चीजें बाजारों में उपलब्ध हैं, जिसकी खरीदारी के लिए लोग अभी से ही जुट गए हैं। तो चाहे मथुरा हो, वृंदावन या फिर देश का कोई भी कोना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में लोग धूमधाम और भव्य तरीके से इस पर्व को मनाते हैं, वहीं मुंबई में दही हांडी का पर्व मनाने की परंपरा और उसके लिए भी तैयारियां हो रही हैं। यशोदा जायो लेना मैं वेदन में सुन आई, मथुरा में जको जन्म भयो गोकुल में झूले पलेना,
मैं वेदन में सुन आई। मंदिर भी सजाए जा रहे हैं, गली कूचे भी सजाए जा रहे हैं, क्योंकि मौका श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, इसलिए कान्हा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए मथुरा समेत देश भर में तैयारियां इन दोनों जोरों से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों से जुड़ी ये खूबसूरत तस्वीरें मथुरा से आई हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी जन्म उत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मदिन के लिए पूरे मथुरा शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। शहर में जगह जगह रोशनियां लगाई जा रही हैं, लाइट लगाई जा रही हैं और चाक चौबंद व्यवस्था, सफाई की, पेंट, रंग रोगन सब कुछ किया जा रहा है। जन्माष्टमी के इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए देश के कोने कोने से पहुँचते हैं, लिहाजा भक्तों की इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने पूरा प्लान भी तैयार कर रखा है और उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। चाहे ट्रैफिक डायवर्जन का मामला हो या सुरक्षा की तैयारियां हो, पार्किंग की व्यवस्था हो या फिर श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन का प्रबंधन हो, मथुरा प्रशासन जन्माष्टमी पर्व के सफल आयोजन में जुटा हुआ है। मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन्माष्टमी के अवसर पर आते हैं और जैसा कि 26 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और 26/27 की रात्रि में जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्म स्थान में होगा, उसको लेके एक बात करें तो 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के जनपद आगमन की ये है उम्मीद है। इसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे एरिया को 3 जोन 17 सेक्टर में डिवाइड करके पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी तथा अन्य जो हमारी एजेंसियां हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और आवश्यकता अनुसार हमारे रूट डाइवर्जन्स भी हैं, जिससे कि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। जन्माष्टमी नजदीक आई तो देश के बाजार भी पूरी तरह से सज चुके हैं और लोग अपने अपने घरों में जन्माष्टमी मनाने के लिए खरीदारी में जुट गए हैं। कोई लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र और आभूषण खरीद रहा है, कोई सजावट का सामान खरीद रहा है। लोगों की पसंद और डिमांड को देखते हुए बाजार में लड्डू गोपाल के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों की रेंज मौजूद है। जन्माष्टमी की ग्राहक को बहुत अच्छा सामान चाहिए रहता है, बढ़िया क्वालिटी में, बहुत नए नए रूपों में। यहाँ बहुत सारे झूले आए हैं, साफे आए हैं, नई पोशाकें आई हैं, इस बार बहुत नए तरीके से त्यौहार बनने वाला है। जन्माष्टमी पर्व पर लड्डू गोपाल जी सजाने के लिए सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा रहता है और एक अलग ही माहौल, नए युग के हिसाब से लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की श्रृंखला दिन पे दिन बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत तरीके की नई नई चीजें लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की आने लगी है। जन्माष्टमी आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल के श्रृंगार के सामान, झूले, उनके वस्त्र, बांसुरी, ये सब बेचने आए हैं। तैयारियों में लगे हम जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने के लिए। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार ये जन्मोत्सव 26 अगस्त को सोमवार के दिन मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार जन्माष्टमी पर ठीक वैसे ही योग बन रहे हैं जैसे योग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बने थे, यानी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग सोमवार के दिन बन रहा है। इस वर्ष जन्माष्टमी का जो योग बन रहा है, यह योग संयोग कई वर्षों की बात बन रहा है। हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस वर्ष 26 अगस्त सोमवार में जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है और इस जन्माष्टमी वाले दिन
छह योग एक साथ बन रहे हैं, जो योग भगवान के समय पर थे वही योग बन रहे हैं। सोमवार की सुबह प्रातः काल से ही अष्टमी तिथि मिल रही है, जो रात्रि पर्यंत तक रहेगी। दूसरी बात यह है कि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मिल जाता है तो जयंती योग बनता है। इसके उपरांत में वृष के चंद्रमा हैं, जो चंद्रमा उस समय भगवान के जन्म के समय थे। और सबसे बड़ी जो इस बार की विशेषता है, वह विशेषता यह है कि सोमानी बुधवार एवा, सोमवार या बुधवार अगर जन्माष्टमी में मिल जाए तो कोट यज्ञ फलम लभे, करोड़ों जन्माष्टमियों के फल की प्राप्ति होती है। इस साल भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव ब्रज मंडल में 2 दिन मनाया जाएगा। श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ये पर्व 26 अगस्त को मनाने की तैयारी है, जबकि श्री कृष्ण की लीला स्थली कही जाने वाले वृंदावन में 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाने की तैयारी है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और आदन मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद है गणेश उत्सव, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। गणपति बप्पा के आगमन में सिर्फ 18 दिन का वक्त रह गया है। भगवान गणेश की प्रतिमा को बनाने में जुटे मूर्तिकारों के काम में तेजी आ गई है। मुंबई के परेल इलाकों में भी विनायक की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इस बार भगवान गणेश के बैठे स्वरूप की बजाय खड़ी मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। आखिर मुंबई में समृद्ध और बुद्धि के देवता के स्वागत की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, जानने के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया का जयकारा सुनने का वक्त आ चुका है। जल्द पधारने वाले हैं गणपति। सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश से जुड़े उत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर को होने जा रहा है, यानी गणेश उत्सव के आगाज में करीब 18 दिन का वक्त शेष है। समय कम होने की वजह से मुंबई के परेल इलाके में मौजूद गणपति की प्रतिमाओं को मूर्तिकार अंतिम आकार दे रहे हैं। मई जून से ही मूर्ति कार्यशाला के तौर पर मुंबई का ये कारखाना काम कर रहा है, जिसमें 20 फीट, 25 फीट और 30 फीट तक गणेश प्रतिमाओं को जीवंत करने का काम चल रहा है। 25 फीट ऊंची इस गणेश जी की प्रतिमा के नीचे मैं बिल्कुल छोटा नजर आ रहा हूं, और गणेश जी की जब ये मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी तो फिर देखने लायक बनेगी। मूर्ति बनाने में कन्हार, मटासी मिट्टी, रुई, पैरा, सुतली, बांस, कील, बारदाना यानी जूट की बोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिट्टी को 4 से 5 दिन तक पानी में भिगाकर रखना पड़ता है, इससे मिट्टी पकती है और मूर्ति बनाने में आसानी होती है। इसके अलावा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रयोग शामिल है। मुंबई की कई बड़े और मशहूर गणेश मंडल अपनी पसंद के मुताबिक गणेश प्रतिमाएं बुक भी कर चुके हैं। करीब 6 महीने पहले लोग मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। मुंबई के बहुत सारे मतलब 70-80% पंडाल यहाँ पे अभी है, जिनकी बड़ी मूर्तियां बन रही है। अभी तक 20-25 मूर्तियां जा चुकी है बड़ी बड़ी। यहाँ पे कम से कम तकरीबन 300-350 मूर्तियां बनती है। गणेश प्रतिमाओं को लेकर ट्रेंड बदला है। पहले बैठे हुए भगवान गणेश की मूर्तियों की बहुत डिमांड हुआ करती थी, जो शांति के भाव को दर्शाती है। इस बार खड़ी गणेश प्रतिमा की मांग ज्यादा है, जो सौभाग्य, धन और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे भगवान गणेश को उनके हर रूप में बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। बीच में एक टेंट था बैठी हुई मूर्ति का, राजा मूर्ति का। अभी वो टेंट थोड़ा खत्म हो गया है, अभी खड़ी मूर्तियां लोग ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। खड़ी मूर्तियों की है तो डिपेंड ऑन, हर एक पिक्चर अलग होता है, लेकिन खड़ी मूर्तियां ज्यादा करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। मूर्ति कार्यशाला में दिन रात काम चल रहा है। कई मजदूरों की रोजी रोटी भी भगवान गणेश के इसी कृपा से चल रही है। ज्यादातर कारीगर सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि बापा प्रेम में भी मूर्तियों को साकार करने में जी जान से जुटे हैं। यह
यहाँ पे अभी तकरीबन 300-350 वर्कर्स है। 300-350 वर्कर्स। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गणेश चतुर्थी के मौके पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई और राज्यों में भी बाप्पा की स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी से अगले 10 दिनों तक गणेश जी विराजमान रहते हैं। इस दौरान बाप्पा के भक्त पूरे उत्साह के साथ उनकी पूजा करते हैं और इस दौरान उन्हें तमाम व्यंजनों के भोग लगाए जाते हैं। सभी देवों में पहले आराध्य भगवान गजानन धर्म, जाति, मजहब से भी परे है। यही वजह है कि हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र में गणपति उत्सव से हर जाति, हर संप्रदाय के लोग जुड़ जाते हैं। सैकड़ों मुस्लिम परिवार भी अपने घरों में गणपति को विराजमान करवाते हैं। पूरे विधि विधान से बाप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। बाप्पा के भक्त उनके गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से 300-350 मूर्तियां जो हैं इस भव्य कारखाने में बनाई जा रही है और साइत देख करके यानी जो दिन ईश्वर के करीब होगा, जो दिन बहुत ज्यादा सही होगा, उस दिन पर बड़े बड़े पंडाल जो हैं वो गणेश मूर्तियां ले जाते हैं, अपने पंडाल में स्थापित करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो जाती है। तो मिला जुला के कहानी ये है कि फिर से एक बार मुंबई, महाराष्ट्र और पूरा देश गणेश उत्सव के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट वहादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। आगे बढ़ते हैं और बात मंकी पॉक्स की, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए भारत पहले से सचेत है और इसके लिए दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में इलाज की तैयारी की गई है। उन 3 अस्पतालों में आरएमएल अस्पताल भी शामिल है, जहां 10 बेड का आइसोलेशन यूनिट तैयार किया गया है और अगर मंकी पॉक्स के मरीज मिलते हैं तो फिर उनका कैसे इलाज होगा और बीमारी के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी देश कांगो से निकली मंकी पॉक्स बीमारी जो है अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहे हैं। बता दें आपको कि ये बीमारी वायरल जिनोसिस बीमारी है जो कि बहुत खतरनाक है। हालांकि पिछले जो पहले समय में स्मॉल पॉक्स होते थे, ये बीमारी उसी की तरह है लेकिन उससे कम खतरनाक है। बट इसकी जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है भारत के अन्य देशों में, उसको देखकर अब भारत भी अपने पूरे अलर्ट मोड में आ गया है और इस वक्त हम मौजूद है आरएमएल अस्पताल में, जहाँ पर अलग से मंकी पॉक्स के लिए यूनिट बनाया गया है कि जितने भी अगर कोई भी ऐसे संपर्क में कोई पेशेंट आता है जो डायग्नोस होता है इस चीज के साथ, तो उसको इस जगह पर रखा जाएगा। काफी आइसोलेशन रूम बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये एक स्किन से रिलेटेड बीमारी है जो स्किन टू स्किन फैलती है, तो आइसोलेशन सबसे पहला चीज है जो कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हर एक अस्पताल के लिए नोडल ऑफिसर जो है बनाए गए हैं। डेजिग्नेटेड अगर अस्पताल की मैं बात करूं तो आरएमएल, लेडी हार्डिंग और सफदरजंग, ये 3 अस्पताल है, लेकिन इसकी पकड़ को देखते हुए सभी अस्पताल जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर है और कोशिश ये की जा रही है अपने अपने तरीके से काम जो है पहली से कर सके। हमारे साथ आरएमएल ऑफिस हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर जो है बनाई गई है इस यूनिट के लिए। मैम, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आप इस पूरे उसको यूनिट को देखेंगे तो सबसे पहले क्या चीज है जरूरी आप पेशेंट्स में जो देखते हैं? हाँ, सो सबसे पहले ये है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ऐसे अगर कोई भी सस्पेक्टेड पेशेंट आता है, क्योंकि उनको एक इमीडिएट आइसोलेशन की जरूरत है और कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो ऐसा रिकॉग्नाइज करना कि फीवर और कुछ स्किन रैशेज एक पर्टिकुलर तरह के इस बीमारी में एमपॉक्स में होते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करके उन पेशेंट को इस यूनिट में लेकर आया जाए, सस्पेक्टेड केसेस को फिर उनको कंफर्मेशन करी जाए जिसके टेस्ट पीसीआर टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है और फिर अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करा जाए। प्रोसीजर रहेगा यहाँ पे अगर जब पेशेंट आता है तो ज़्यादातर एमपॉक्स एक माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन ही होती है। माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग मतलब वो अपने आप ही एक कोर्स, जैसे चिकन पॉक्स होता है हम कहते हैं बच्चों में, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो एमपॉक्स भी ज़्यादातर मरीजों में अपने आप ही 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। स्किन के जो रैश आते हैं उन पे धीरे धीरे पपड़ी बनने लग जाती है, वो पपड़ी झड़ जाती है और वो पूरा स्किन फिर नॉर्मल हो जाता है। मैम, डेथ रेशो की अगर मैं एक बार बात करूँ तो क्या रहता है? डेथ एग्जैक्टली हमें रेशियो इंसिडेंस नहीं मालूम है, बट डेथ बहुत कम लोगों में होती है, मोर्टैलिटी बहुत कम है। ज़्यादा केसेस जो है सेल्फ लिमिटेड, जैसे बताया इन्फेक्शन होती है स्किन में होती है और लीजन्स झड़ जाती हैं, बट रेयरली कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकती है, तो दैट इज़ वेरी रेयर, तो उसके लिए हम हॉस्पिटल में मॉनिटर करते हैं। नहीं तो बस आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर, हाइड्रेशन
प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन टू फ्रॉम वन पेशेंट टू द अदर एंड स्कैब्स, अगर ओरल अल्सर्स हैं तो माउथ गागल्स, एंटीसेप्टिक जेल, और अगर इन्फेक्ट हो जाती हैं लीजन्स तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, अदरवाइज सपोर्टिव केयर इज द मेन ट्रीटमेंट। इसमें खतरा कम है, जान का खतरा कम होता है, डेथ रेशियो एज सच कुछ नहीं है, लेकिन आइसोलेशन सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।